कड़ाके की ठंड की अब बात करेंगे। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में ठंड की लहर चल रही है। ठंड से लोग परेशान हैं। इस शीतलहर में लोगों का बुरा हाल है। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर और ठंड से कांप रहा है। ऑफिस जाने वाले हो, घर पर रहने वाले लोग हों, परेशानी सबको है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पारा लुढ़का हुआ है। राम की नगरी अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ताजनगरी आगरा भी इस समय ठंड से कांप रही है। इस समय हमारे साथ दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ चुके हैं लाइव, और हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ हैं। राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। सुशील, दिल्ली वासियों को इस ठंड से राहत अभी भी नहीं मिल रही है और आने वाले समय में भी नहीं मिलती नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पूरे जनवरी महीने में आने वाले कुछ और दिन ऐसी ही कड़ाके की ठंड रहने वाली है। आज दिल्ली में तापमान कितना है, कहाँ पर आप इस समय मौजूद और कैसी ठंड आपको लग रही है? सही कह रही हैं कि इस कड़ाके की ठंड से न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर के तमाम ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल इस लो विजिबिलिटी का और ठंड का सितम झेल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर अभी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो विजिबिलिटी है वो ऐसी ही बनी रहेगी, और ऐसे में जो ठंड का सितम है वो लगातार जारी रहेगा। कंचन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो हिमालय जोन की तरफ से हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से सुबह और शाम ठंड देखने को मिल रही है। दिन में हमें थोड़ी सी धूप देखने को मिलती है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा ठंडक है। इसलिए मौसम विभाग और डॉक्टर्स भी, तमाम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनको हमेशा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो घर से, पहाड़ पे तो बर्फबारी और बारिश का पहले से ही बताया गया है, अलर्ट जारी कर रखा है, तो इसका मतलब ठंड और बढ़ने वाली है मैदानी इलाकों में। मैं लौटूंगी आपके पास, मथुरा चलते हैं। नितिन से जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। नितिन, मथुरा में ठंड कैसी है? मथुरावासी भी ठंड से कांप रहे हैं आज भी, या तापमान में कुछ बेहतरी देखी जा रही है? मौसम कल से आज कम ठंडा लग रहा है। देखिए, अगर बात करें मौसम की और सर्दी की, तो लगातार जो है कोहरे में जो है आज भले ही गिरावट है, कोहरा के जो है कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बात करें तो ठंड की, तो ठंड ने जो है हाड़ का पारा रखे, गलन भरी ठंड है, हवाएं चल रही हैं, रास्ते लोग बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि निकल रहे हैं, किस तरीके की ठंड है आज? अगर मैं कोहरे की बात करूं तो कल के मुकाबला कोहरा कम है, पर गलन उतनी ही है, तो कपड़े पूरे हालांकि मैं पहन के निकलना पड़ रहा है, पर मजबूरी है, वरना मन तो ये करता है कि हम लोग घर में बैठे रहे अपने बिस्तरों में, पर काम है। देखिए, कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं। सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हाड़ कपा रहे हैं, लेकिन केवल जो आग और गर्म चीजें ही इस जो कड़ाके। हरदोई में क्या आज ठंड बनी हुई है, और हरदोई वासी कैसे अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं? आशीष, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हम लोग इस टाइम हरदोई के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भीषण ठंड पड़ रही है आज, हालांकि कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड गलन है और तेज शीतलहर चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑफिस जाने आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जो रोजमर्रा की बात कर लें, सब्जी लेना है, जो टहलने वाले बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको, जिनकी टाइमिंग 6:30-7 बजे टहलने निकलते थे, आज वो भी घरों में दुबके हुए हैं, और यहाँ पर लोग आग का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ जो स्टेशन पे ऑटो ड्राइवर्स हैं वो हैं। किस तरीके की ठंड पड़ रही है भैया? क्या सवारियाँ बढ़िया मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। क्या है, किस तरीके से ठंड से बचाव कर रहे हैं? आते हैं जैसे, अब ठंड क्या बताएं, आग है, मिल जाती है, आग तापते हैं, कहाँ मिल जाती है, वही है कि ये लोग आग ताप के अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं। वही डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ज्यादा से ज्यादा घरों में रहे, जो हार्ट के पेशेंट हैं, हरदोई वासी भी ठंड से परेशान है। आशीष, जानकारी इस पर दे रहे थे। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।